हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं प्ले विद केमिस्ट्री। तो बच्चों, अब जिस क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन कौन सा है, 11.10। और इसमें देखिए, राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। हमें किससे बनाना है बच्चों, फिनॉल की प्रिपरेशन करनी है, और किससे, क्लोरोबेंजीन के साथ। तो देखिए, ये हो गया बच्चों हमारा क्लोरोबेंजीन, ये हो गया बच्चों हमारा क्लोरोबेंजीन, और इससे हमें बनाना है फिनॉल। इससे हमें क्या बनाना है बच्चों, फिनॉल। तो देखिए कैसे प्रिपरेशन करने वाले, पहले इसे ध्यान से देखो बच्चों। इस क्लोरोबेंजीन में देखिए कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे है लोन पेयर, फिर सिंगल, फिर डबल। तो यहाँ लग रहा है बच्चों प्लस एम, कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चों, प्लस एम। तो देखिए जरा ध्यान से, प्लस एम लग रहा है, तो जो बॉन्ड आपको एक्चुअल में सिंगल दिख रहा है, जो बॉन्ड सी 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 एल कैसा दिख रहा है बच्चों, सिंगल दिख रहा है, और ये हमें लग रहा है कि इजीली यहाँ से टूट सकता है। लेकिन जब आपने इसमें प्लस एम से चेक किया तो सी सी एल बॉन्ड जो सिंगल दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है, डबल बॉन्ड है। वो तो देखिए सी 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 एल बॉन्ड कैसा है, डबल। इट मीन्स देयर इज मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, और समझ गए बच्चों। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अगर यहाँ पर आप बेसिक मीडियम करते हो, NaOH डालते हो, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे हम लेते हैं NaOH एक्वस, और यहाँ लेते हैं टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस एंड 320 ATM प्रेशर लेते हैं। 300 से 320 ATM प्रेशर लेना पड़ेगा बच्चों। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्लस एम से क्या हो रहा है, प्लस एम से सिंगल बॉन्ड, एक्चुअल में ये डबल है, तो डबल है, तो इसे अगर रिमूव करना है तो देखिए आपको टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 350 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 320 ATM प्रेशर लगाना पड़ेगा बच्चों। इससे ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा OH, लेकिन ये OH जो होता है, ये जो फिनॉल है बच्चों, ये कैसा होता है, एसिडिक होता है, और आपने क्या लिया है बेस, तो ये इस फॉर्मेट में तो रहेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एच को हटाकर आपको फॉर्मेशन करनी पड़ेगी सोडियम फिनो ऑक्साइड की। क्या बन जाएगा बच्चों, सोडियम फिनो ऑक्साइड। लेकिन आपको क्या बनाना है, आपको तो बनाना है फिनॉल, तो यहाँ पे क्या कर दिया जाए, एसिड डाल देते हैं, HCl ऐड करने पर ये बच्चों बन जाएगा फिनॉल, और यहाँ से निकल जाएगा NaCl। तो देखिए हमें किसकी फॉर्मेशन करनी थी, हमें तो फिनॉल की ही फॉर्मेशन करनी थी। तो बच्चों बात समझ में आ गई, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने पहले चेक किया तो हमें पता चला कि प्लस एम से ये जो सिंगल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड। इट मीन्स अगर इसे रिमूव करना है तो आपको हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। जब उन्होंने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या बन गया, सोडियम फिनोऑक्साइड, और फिर HCl से रिएक्शन कराने पे क्या फाइनली बन जाता है, फिनॉल। तो इस क्वेश्चन को अब हमने सॉल्व कर लिया, फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।